Ahí te cayó, Pari. Chalo. हमारे पास हाथी है, चाहे कैसा ही मौसम क्यों ना हो हम निकल जाएंगे यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के साथ, तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं हमें। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मौसम इतना सेक्सी हो रखा है ना, आज तो बाहर घूमने जाने का मन है, लेकिन बच्चे के साथ हम लोग कहीं नहीं जा सकते, तो सीधा घर पहुंचेंगे फिलहाल तो, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। लेकिन अभी आने जाने में हमें बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि पूरा वेदर इतना भयानक वाला है, हवा चल रही है, ये देख रहे हो भाई, ए क्या पू 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 चल रहा है, हवा देख रहे हो भाई, क्या हवा चल रही है ओए भाई। जिस चीज का इंतजार था ना वही हो गया, ये देखो ये पेड़ गिर गया भाई बीचों बीच रास्ते में, क्या हमारा फोन वाटर प्रूफ है इसमें तो दिखाई देता है, पेड़ गिर गया तो रास्ता हमारा रुक चुका है, तो क्या करे, इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं भाई। रास्ते बहुत है राजा पार्क के अंदर, एक ही चीज का तो फायदा है, यहाँ पर रास्ते बहुत सारे हैं, तो कोई नहीं भाई, हमने वो रास्ता बंद किया और ये पेड़ यार इतनी भयानक, हवा इतनी तेज चल रही है ना कि पेड़ स्वाभाविक है, बेचारा कोई बूढ़ा वाड़ा पेड़ होगा ना तो वो तो निपट ही लिया, तो वही हाल है। तो कोई नहीं हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे घर यार, ऐसा कुछ नहीं। ओ भाई क्या थार है यार, थार मस्त है यार, ये तो गाड़ी कतई खत्म है भाई, कतई गजब गाड़ी थी, पर कोई नहीं, चलो 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 भाई। ये तो स्कॉर्पियो की ना थीम ही खराब है साला, लेकिन फिर भी मैं इस स्कॉर्पियो के लायक उस तरीके से नहीं, क्योंकि मैं बहुत न्यायी शरीफ इंसान हूँ, तो कहते हैं ना भाई कि स्कॉर्पियो गैंगस्टर टाइप की गाड़ी है, लेकिन भैया मेरी स्कॉर्पियो वैसी नहीं है, बहुत न्यायी शरीफ इंसान हूँ, किसी को आगे से जाना भी है ना तो भाई जा यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अंकल आप जाओ, बहन के मामा तैयार हो, इस गाड़ी को अगर लॉन्ग रूट पे चलाए ना बहुत बढ़िया यार ये गाड़ी, और ना ये ना दुख देती है, पास के लोकल उसमें तो बहुत पंगे करती है यार, ये मस्त है अपनी, ये लोकल्स के लिए ये सही है सबसे पहले। हेलो व्हाट्स अप, ए व्हाट आर यू डूइंग मैन, भाई इसका तो कोको मेलन अगर इसका चल रहा है तो फिर तो इसका ध्यान कहीं है ही नहीं, कोको मेलन बंद करो जस्ट, तो बस खत्म, फिर तो ये टाटा बाय बाय कर देगा सबको। एक्चुअली हमारी ड्यूटी लगी है भैया आरोप रखने की, क्योंकि वो लोग गए हैं मार्केट, वो भी मार्केट इसीलिए गए भाई कि आज बनाने का इतना मूड है पाव भाजी, भैया हमारी ड्यूटी लगी बिल्कुल आरू को निकालने के लिए, तो आरू देखो यहाँ बैठा रखा है, और इसको रोकने का एक ही तरीका जिससे ये बैठा सकता है, कोकोमेलन कोकोमेलन आरू कोकोमेलन लो, हैव इट, वो भी अब देखो ये मेरे हाथ से ही पिएगा, जो भी करना है अपने हाथों से, कुछ नहीं करना, सब पापा करें। ओ भाई बाहर मौसम हो रहा है भाई भयानक मस्त, इसको बोलता है कतई मस्त सा मौसम, ये लोग गए तो हैं लेकिन बरसात आ रही है, इसलिए बरसात आ रही है अच्छी खासी, और बहुत ठंडी हवा है, चलो कोई नहीं आज का मौसम है, पाव भाजी तो बनी गया, हम लोग घर आए, घर के आने के बाद यही काम है यार, चलो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्या हो गया तुम लोग, क्या करके आए, जो बनाते हैं वो वाली भी नहीं लगती, इधर प्याज रखे हैं भैया, इधर हम सेकते हैं हमारे पाव, हम चले गए दारू को सुलाने, जब सब ज्यादा खा लेते हैं ना स्वाद स्वाद के अंदर ज्यादा खा लेते, तो फिर आता है नंबर किसका, नींबू पानी का, तो भैया फाइनली नींबू पानी बना रही है हमारी आलिया,
नींबू पानी वगैरह सबने ना जबा के खा लिया पाव भाजी। लो अब भुगतो। तो पेट तो गड़बड़ हो सकता है ना भाई, अब इतना ज्यादा खा लिया तो पेट तो गड़बड़ यार हो गया तो हो गया, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं यार, हद हो गया। अब इतना खाएंगे तो पेट तो गड़बड़ हो ही जाता है ना यार, और पेट गड़बड़ होना कोई हाथ में है क्या? खा लिया तो खा लिया, अब हो गया ठीक है। तो नींबू पानी पिला मस्त। आरू को भी बिना पाव भाजी खाए ना हजमा खराब हो गया। तो फाइनली आलू ने भी टटी कर ली है, टटी कर ली है भैया मैंने, वहाँ बहुत सारे निशान जोड़, लेकिन हम उसको नहीं दिखाएंगे ठीक है। आरू हमारी उसका क्या सीन है, पीता बना भाई प्रोसेस, आधे घंटे से बीरबल की खिचड़ी समझ रखी है तूने इसको, हद हो गए यार। आरू को मजा आ रहा है। दीदी मुझे मुझे डराने वाले बहुत आए, लेकिन मैं आज तक किसी से डरा नहीं हूँ। दीदी भाई साहब सोना भी है, चलो ए, चलो चलो अपना बोतल लो पानी की, पानी पियो और सो जाओ ठीक है। गुड नाइट।